हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के समय में हेल्दी रहना सभी चाहते हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली आज के समय में ऐसी हो गई है फ्रेंड्स कि हम हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं और अनेक बीमारियों हमारे शरीर में होने लगी हैं। हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज हो गया है। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हुई हूँ, जिससे कि आप अपने लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। आधुनिक युग में खराब जीवन शैली के कारण हम अस्वस्थ रहने लगे हैं। इन सब के कारण हमें विभिन्न प्रकार की बीमारी हो जाती हैं। अतः हमें स्वस्थ रहने के लिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि अपने प्रतिदिन के जीवन में हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इस स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस क्लिप में यही चीज़ें बताई गई हैं। तो नंबर एक, दांतों को स्वस्थ एवं साफ रखने के लिए रात को सोने से पहले दांतों को साफ करना चाहिए। उसके बाद एक गिलास पानी पीकर ही हमें सोना चाहिए। नंबर दो, खाना खाने के समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए। बीच में एक बार ही पानी पीना चाहिए। यदि हो सके तो खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिए। नंबर तीन, कब्ज से पीड़ित लोगों को शाम के समय पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करने से भी कब्ज में राहत मिलती है। नंबर चार, प्रतिदिन योगा करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। ये हमें गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। नंबर पाँच, फ्रीज में रखे ठंडे पानी को पीने से बचना चाहिए। ये ना केवल गले के लिए हानिकारक होता है बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। नंबर छः, कहीं भी बाहर से आने के बाद बाहर की वस्तुओं को छूने के बाद घर में खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले हाथों को बहुत ही अच्छी तरह से धोना चाहिए। नंबर सात, यदि घर में छोटे बच्चे और बूढ़े लोग हों तो स्वच्छता का अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे बूढ़े लोगों को बीमारियां जल्दी हो जाती हैं। नंबर आठ, घर में सफाई, झाड़ू पोछा, जाला साफ इत्यादि करते रहना चाहिए। कूलर में या किसी भी गड्ढे में पानी अधिक समय तक नहीं भरा रहना चाहिए। इससे वहाँ पर मच्छर, कीड़े मकोड़े पनपते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। अतः हमें सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। नंबर नौ, फर्श की सफाई फिनाइल आदि डालकर करनी चाहिए। टॉयलेट और बाथरूम को हमेशा साफ रखना चाहिए, यहाँ से इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। नंबर दस, खाने में पौष्टिक भोजन, दूध, दही, सलाद, फल, अनाज, हरी सब्जी आदि का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा सब्जियों को धोकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। नंबर ग्यारह, खाने को पकाने के लिए सोयाबीन तेल, सनफ्लावर ऑयल, मक्का या ऑलिव ऑयल का प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 12, शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता होती है जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। हमें सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप लेनी चाहिए। नंबर 13, सर्दियों में सूखे मेवे खाने चाहिए, परंतु कम मात्रा में। अखरोट सेलेनियम का अच्छा स्रोत है, इसलिए अखरोट का सेवन करना लाभदायक होता है। नंबर 14, संतरे, अंगूर, नींबू, अमरूद में विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, इसका सेवन प्रतिदिन हमें करना चाहिए। नंबर 15, अपने भोजन को पोषण से भरपूर बनाए रखने के लिए उसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, खनिज लवण एवं एंटीऑक्सीडेंट की संतुलित मात्रा शामिल करनी चाहिए। नंबर 16, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें योगा करना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, अपने काम एवं जीवन में संतुलित बनाकर रखना चाहिए। नंबर 17, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और मनोरंजक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखना चाहिए।
नंबर 18, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल या सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे हमारे शरीर के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, इससे यकृत, आमाशय, फेफड़े इत्यादि खराब हो जाते हैं। नंबर 19, अपनों के संपर्क में रहना चाहिए और अपने मन के भावों को विश्वसनीय व्यक्तियों के साथ साझा करना चाहिए। नंबर 20, बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उनकी छोटी छोटी बातें बहुत ही ज्ञानपूर्वक होती हैं। नंबर 21, तावे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, तावे में बैक्टीरिया नाशक गुण होते हैं जो संक्रमण होने से बचाते हैं, ये पानी लीवर के लिए फायदेमंद रहता है। नंबर 22, सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दूर रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं और सही से आराम नहीं करने देते, इससे ट्रॉनिक वेव्स निकलती हैं जो हमारे लिए खतरनाक होती हैं, ये मस्तिष्क और शरीर दोनों को कमजोर करती हैं। नंबर 23, भूख से अधिक खाना, बिना भूख के खाना व असमय खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बहुत देर तक एक ही अवस्था में नहीं बैठे रहना चाहिए। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपकी लाइफ को हेल्दी बनाने में मदद करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।